हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। अब ये मात्र कल्पना ही नहीं रह गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के जमाने में हम ये जरूर सोचते हैं कि काश कहीं ऐसा होता कि बाइक हवा से चलती होती तो, और ये सपना अब जल्द ही शायद पूरा हो जाएगा। हम हवा में चलकर हवा से ही फर्राटे भरेंगे। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर एंड डॉक्टर बीआर सिंह और उनकी टीम ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो कि पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि हवा से चलती है और इसे नाम दिया है एयरो बाइक। ये बाइक केवल 5 रुपए में 40 किलोमीटर का सफर करा सकती है। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स ने कॉलेज के डायरेक्टर बीआर सिंह के साथ मिलकर ऐसी अनूठी बाइक की कल्पना को हकीकत में बदल दिया है। प्रोजेक्ट के मुखिया डॉक्टर बीआर सिंह इस बारे में कहते हैं, ये पहली चीज तो है, ये इंजन मोटरसाइकिल के लिए है। मोटरसाइकिल नॉर्मली 5 हॉर्स पावर एवरेज 5 हॉर्स पावर पर चलती है और 2000 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट रहता है। कोई भी गाड़ी है, चाहे कार हो, उसका भी 2000-3000 RPM पर चलती है। तो एक बैकग्राउंड इसका एक मिल गया, सीमा मिल गई। तो हमने ये सोचा, दूसरा था कि अगर हमें हवा से बना हो सकता बहुत बड़ा बने, तो उसकी भी सीमाएं तय करने की। मोटरसाइकिल पे इंजन जो लगा है उससे भारी नहीं होना चाहिए और उसी साइज का होना चाहिए ताकि पूरा स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब ना किया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। तो हमने इस बैकग्राउंड लेते हुए जब रिसर्च में हम लगे तो यही काम हमने किया। और इसको पहले तो एक मॉडल बनाया छोटा सा कि एयर वेन, एयर टर्बाइन की एक्सपेंशन करे, प्रेशर है तो एक्सपेंड करेगी तो वो जा करके कंटिन्यूस उस पर हवा का एक्सपेंशन मिलेगा। जैसे कंप्रेस्ड एयर मिलती जाएगी तो लगातार चलने लगे जैसे देख। तो अब उसको हमने जब तैयार किया तो हवा दिया तो चलने लगी, एक मॉडल छोटा सा था। फिर हमें पैरामीटर पर आ गया कि हमें हमारा 5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना, छोटा छोटा कितना होना चाहिए, हल्का होगा उसे। तो हमने इस पैरामीटर को लिया तो हमने लास्ट में जो हमारा आया थीसिस का और उसमें ऑप्टिमम जो पावर जनरेट हुआ छोटे से छोटे में 4 इंच का साइज का मिला, जो आउटर डायमीटर 4 फुट का और 3 इंच का रोटर और 4 का उसका इनर और आउटर जिसके अंदर वो घूमता है। तो उसको और 8 विंग्स उसमें लगी हुई एक जगह से और हवा किस एंगल पर उस पर जाए। अब रह गई कि टंकी का, अभी आपको हमने बताया कि हमें जो यहाँ उपलब्ध है कंप्रेशर, उसी कंप्रेशर से टंकी जो इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसका यही हुआ कि टंकी में हवा रहे, उस हवा से इंजन चले और उस पर फिर अपना चले दूसरी जगह, जहाँ पहुँचे फिर से हवा उस टंकी में भरा लें। तो 2 टंकी साइड में लगी, जहाँ साइलेंसर लगते हैं उसी के आसपास 2 टंकी लग जाए बैरल टाइप, और उसमें इस जो टरबाइन बनी हुई है उसमें जाने के लिए उसका रेगुलेटर और एक्सीलेटर बना दिया जाए। तो ये हमने उसमें डेवलप किया। अब एक बार अगर दोनों टंकी भर दी जाती हैं तो करीब करीब 80 मतलब आप समझिए कि ये 5 रुपए में 40 किलोमीटर वो चले जाए। प्रोजेक्ट के मुखिया डॉक्टर बी आर सिंह तथा उनकी टीम के द्वारा इस एयरो बाइक का प्रदर्शन राष्ट्रपति के सामने भी किया गया। एयरो बाइक को बनाने के कारण डॉक्टर बी आर सिंह और उनकी टीम का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। सोलर लाइट तथा सोलर मोबाइल से तो लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन सोलर स्ट्रीट कार की तरफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस का
ये प्रयास काबिले तारीफ है। एक ऐसी कार जो सोलर लाइट से चलती है। उम्मीद करती हूँ इस वीक प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।